और अभी तक दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सोनाली फोगाट मामले को लगभग एक महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, कोई भी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं लग पाई है जिसके बाद ये मामला सुलझ गया हो। आपको बता दें कि इस बीच गांव में चली एक पंचायत के दौरान सोनाली फोगाट ने जो बयान दिए थे उसके लिए परिवार ने तो माफी मांगी ही, लेकिन पंचायत और बीजेपी पार्टी ने इस बात का फैसला लिया कि सोनाली फोगाट की राजनीतिक संपत्ति यानी कि उनकी पोस्ट, उनका ओहदा और इन सभी चीजों को उनकी बहन रुकेश के हवाले कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहन रुकेश को ये सारी संपत्ति सौंप दी गई है, और जिसके बाद अब बेटी यशोधरा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि माँ के जाने के बाद वैसे तो जिंदगी पूरी तरह से ऐसा लगता है मानो खत्म ही हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और ग्राम पंचायत ने जो ये फैसला लिया है मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरी मौसी रुकेश मेरी माँ की तरह ही है और उन्होंने हमेशा मेरी माँ की तरह ही जिम्मेदारी को निभाया है, और माँ के जाने के बाद अब यकीनन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को तो मैं संभाल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं ये फैसला ग्राम पंचायत और पार्टी का पूरी तरह से ठीक है। मैं इस फैसले का समर्थन करती हूँ और मौसी रुकेश को इस संपत्ति का असली हकदार भी मानती हूँ, क्योंकि माँ की तरह वे ही इस संपत्ति का सही ढंग से उपयोग कर सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से बेटी यशोधरा ने मौसी रुकेश को मिली संपत्ति के लिए बड़ी बात कहते हुए अपना बयान जारी किया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, सोनाली की ये राजनीति संपत्ति क्या वास्तव में उनकी बहन को मिलनी भी चाहिए थी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।